चलते दो लोगों ने गांधी सागर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली है। मृतकों में गाड़ी खाना निवासी तिरुंगनाथ तिगनरवील शेरवे और श्रीरामनगर झोपड़पट्टी वाठोरा निवासी महेंद्र शेखलाल खरोले का समावेश है। शेरवे प्लास्टिक के सामान बेचने का व्यापार करते थे। लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी चल रही थी तो महेंद्र ड्राइवर थे। लंबे समय से कोई काम नहीं मिल रहा था, इस वजह से वे भी तनाव में थे। दोनों ने गांधी सागर तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को दोनों के शव पानी में दिखाई दिए। गणेशपेट पुलिस ने गोताखोर जगदीश खरे की मदद से शव को बाहर निकाला है। सोनेगांव थाना क्षेत्र में दो अज्ञात आरोपियों ने चाकू के नोक पर युवती से चेन लूट ली है। पुलिस ने सावित्री विहार पावन भूमि निवासी अपूर्वा लाडी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। अपूर्वा शुक्रवार की रात 11:10 फ्रेंड के साथ नरेंद्रनगर पुलिया के समीप फुटपाथ पर खड़ी थी। इस दौरान 25 से 30 उम्र के दो युवक उनके पास आए और चाकू के नोक पर उन्हें मारने की धमकी दी। अपूर्वा से सोने की चेन जबरन झपट ली और फरार हो गए। कोरोना के साय में हजरत बाबा ताजुद्दीन का 98वां सालाना उर्स बड़ा ताजबाग में शुक्रवार को सादगीपूर्ण बिना कोई तामझाम के प्रारंभ हुआ। यह शुक्रवार 18 सितंबर तक औपचारिक रूप से मनाया जाएगा। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के प्रशासक जीएम कुबड़े के अनुसार कोरोना महामारी के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा उर्स कालावधि में परिसर में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश बंदी लगाई गई है। न्यू कामठी थाना क्षेत्र में एक छात्र ने विष प्राशन कर आत्महत्या कर लिया। मृतक का नाम जयपुर चौक कामठी निवासी ऋषा नितेश वासनिक बताया गया है। ऋषा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। 9 सितंबर की शाम वह ट्यूशन क्लास से घर लौटी और परेशान दिख रही थी। 9 बजे दौरान उसने घर में विष प्राशन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को पता चला कि उसे उपचार के लिए मेयो अस्पताल ले गए। हालात चिंताजनक बनी हुई थी। गुरुवार की देर रात उसने उपचार के दरमियान दम तोड़ दिया है। नागपुर जिले में शनिवार को कोविड संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा छूने में 186 दिन का समय लगा। सितंबर के शुरुआती 12 दिनों में संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। शहर के 1 से 5 जोन तक का कचरा संकलन का काम ठप पड़ गया है। मनपा ने एजी एनवायरो व बीबीजी कंपनियों के शहर कचरा संकलन को ठेका दिया था। शहर के दो भाग करते हुए दोनों कंपनियों के पास 5 जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एजी एनवायरो कंपनी के कर्मचारी कंपनी से वेतन न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। ऑनलाइन पुस्तक खरीदी में एक युवती को अपने खाते से 30,000 गंवाने पड़े हैं। फिरियादी MIDC जैताला निवासी स्मिता बख्शी है। सोमवार 7 सितंबर को उनकी बेटी एंजल ने अमेजोन पर 1561 रुपए कीमत की पुस्तक देकर ऑनलाइन बुकिंग की थी। इसके दो ही दिन बाद पुस्तक की कीमत 300 रुपए कम होने से एंजल ने कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क किया। केयर सेंटर से फोन उठाने वाले व्यक्ति ने एंजल को ज्यादा ली गई रकम वापस देने के लिए पहले पुस्तक की नई कीमत वाली रकम ऑनलाइन पेमेंट करने का झांसा दिया। इस पर एंजल ने संबंधित खाते में पैसे जमा कर दिए तो दूसरी बार ऐसी कोशिश एंजल ने की। 29,421 रुपए निकाल लिए गए हैं। लकड़गंज क्षेत्र में एक दवा कंपनी से कच्चा माल चुराने वाले 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी में दवा कंपनी के 4 नौकर और 1 कबाड़ी शामिल है। आरोपियों से पुलिस ने करीब 1,10,000 रुपए का माल जब्त किया है। लकड़गंज थानेदार नरेंद्र ह्यूरे के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। MIDC क्षेत्र में टाइगर नामक युवक के गले में कैंची खोपकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम सोहन कुमार उर्फ टाइगर विजय प्रसाद है। घटना शनिवार की शाम करीब 7:30 हुई। आरोपियों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। टाइगर की हत्या किसने और क्योंकि इस बारे में MIDC पुलिस की टीम छानबीन में जुटी है। गिट्टीकदान थाना क्षेत्र में एक महिला की सीढ़ी से गिरकर मौत हो गई। मृतक का नाम मीना प्रवीण गुप्ता बताया गया है। शुक्रवार की शाम 6 बजे के दौरान मीना सीढ़ी से घर के ऊपरी माले पर जा रही थी। इस दौरान पैर फिसल गया और नीचे गिर गई। गंभीर चोट लगने के कारण मीना को उपचार के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने जांच करते मृत घोषित कर दिया है।